10 साल की उम्र में पद्मनी कोल्हापुरी ने फिल्म इश्क 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 से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद ड्रीम गर्ल, सत्यम शिवम सुंदरम, साजन बिन सुहागन और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। मात्र 15 साल की उम्र में फिल्म जमाने को दिखाना है में बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। प्रेम रोग, विधाता, प्यार झुकता नहीं, सौतन, वो सात दिन, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, दाता आदि इनके करियर की कुछ मुख्य फिल्में रही। साल 1980 में पद्मनी तब चर्चाओं में आ गई थी जब प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे। प्रिंस की जेड सिक्योरिटी को तोड़ते हुए पद्मनी ने उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर डाला था। यह मामला तब खूब चर्चाओं का विषय बना था। पद्मनी कोल्हापुरी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर शादी की थी। दरअसल फिल्म ऐसा प्यार कहां के सेट पर पद्मनी फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा को अपना दिल दे बैठी और बाद में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पद्मनी के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। दोनों ने पद्मनी के घर वालों को समझाने की खूब कोशिशें की लेकिन असफल रहे। अतः 14 अगस्त साल 1986 को दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और अब दोनों का एक बेटा भी है, प्रियांक।